नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के विश्वविद्यालयों के भीतर एक गजब का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है और जो कुलपति हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। बीते दिनों भी आपने देखा कि मगध विश्वविद्यालय के वीसी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए गए और जब रेड हुई तो ये आरोप सत्य साबित हुए। उनके घर से पैसों की बरामदगी हुई और तमाम आरोप जो है वो सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में नया मामला निकल कर आया है। LNMU के VC जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रभार पर भी थे, उन्हें आज उस प्रभार से हटा दिया गया है। कल ही उनको बेस्ट चांसलर का अवार्ड दिया गया था और आज उन्हें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और VC का नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है और इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने टेंडर का भारी घोटाला किया है। बड़ी खबर पटना से आ रही है। भ्रष्टाचार मामले में घिरे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर गाज गिर गई है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के चार्ज से उनको हटाया गया है। राजभवन में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल रहे। LNMU के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर गलत ढंग से टेंडर देने और टेंडर में बंदरबांट का आरोप लगा है। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर यह आरोप मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दुस ने लगाया है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति रहने के दौरान प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर गलत ढंग से टेंडर देने और टेंडर में बंदरबांट करने का आरोप लगा है। इससे पहले आपको पता होगा कि मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर 30 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का आरोप लगा। विशेष निगरानी इकाई का सिकंजा उनके ऊपर कस गया है और आपको पता होगा कि पूरी छानबीन हुई। लाखों रुपए उनके घर से नगद बरामद हुए और साथ ही साथ करोड़ों की संपत्ति जो उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित करके रखी थी वो भी बरामद किए गए। फिलहाल छानबीन के बीच में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जो है वो छुट्टी पर अचानक से चले गए हैं और उनके जगह दूसरे वीसी को बुलाया भी गया है मगध यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन बड़ी बात ये कि जो अभी अभी सुरेंद्र प्रताप सिंह को हटाया गया है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के चार्ज से, उन्हें कल ही अवार्ड मिला था। बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड उन्हें दिया गया था लेकिन आज उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो सोचिए किस तरह का खेल बिहार के विश्वविद्यालयों के भीतर चल रहा है और ये जो इल्ज़ाम है वो उन पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दुस ने लगाया है। इसके बाद जो जांच चल रही है, छानबीन चल रही है और आपको पता होगा कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को भी बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है। PMO के द्वारा उन्हें वहां पर बुलावा आया है और इन्हीं सब मामलों पर चर्चा होने वाली है कि किस तरह से बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में घोटाले चल रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय का जो पूरा सिनेरियो था वो सबके सामने आया कि कैसे से वहां के VC राजेंद्र प्रसाद घोटाला कर रहे थे, करोड़ों की हेराफेरी की। 40-45 स्टाफ काम कर रहे थे लेकिन 87-88 स्टाफ का जो है पेपर दिखाकर सरकार से और यूनिवर्सिटी प्रशासन से पैसों की उगाही की जा रही थी। इसके अलावा जो स्टेशनरी आता था यूनिवर्सिटी के भीतर उसके भी दोगुने चौगुने दाम दिखाकर उसकी वसूली की जाती थी। तो आप समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े पदों पर रहकर इस तरह के लोग इस तरह की हरकत कर रहे है तो इसका क्या प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। एक तरफ राजेंद्र प्रसाद जो कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, करोड़ों की हेराफेरी करने का आरोप। वहीं दूसरी ओर LNMU के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जिन पर टेंडर में घोटाला करने का आरोप लगा है। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की और यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है और वहाँ के कुलपति किस तरह से यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, क्या वहाँ पर भी किसी तरह की गड़बड़ी है, घोटाला हो रहा है। तमाम चीज़ों की जाँच होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इन बुनियादी चीज़ों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या बड़ा एक्शन आगे होता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।